हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बताऊंगा कि अगर एलईडी टीवी के जो एलईडी टीवी का कॉम्बो बोर्ड होता है उसमें अगर बैकलाइट सेक्शन का जो बैकलाइट ड्राइवर होता है वो ख़राब होने के कारण हमारी बैकलाइट ऑन नहीं होती है, तो इस सिचुएशन में हम कैसे उसे ठीक करें। तो दोस्तों, कई सारे रास्ते हैं उसे ठीक करने के। हम अलग से बैकलाइट ड्राइवर लगाते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा खर्चीला होता है। उससे अच्छा हम उसी बैकलाइट को अगर बना दें तो और बेहतर होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि जो बैकलाइट ड्राइवर उस बोर्ड में लगा होता है तो उस बैकलाइट ड्राइवर को कैसे बनाते हैं, उसके कुछ दो चार आपको टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप उस बैकलाइट ड्राइवर को रिपेयर कर पाएंगे। आप देखिए, ये जो पोर्शन है ये बैकलाइट सेक्शन का ड्राइवर है, जो तो यह ड्राइवर ही हमें बैकलाइट के लिए जो सप्लाई देता है जब ये ऑन होती है। तो ये ड्राइवर अगर ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो हमारी बैकलाइट ऑन नहीं होगी। दोस्तों, इसी तरह का इस टीवी में फॉल्ट है, तो यही फॉल्ट मैं आपको इस वीडियो की मदद से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको कैसे इसे ठीक करते हैं वो कुछ दो चार टिप्स है आपको बता देता हूँ। तो आप जानते ही होंगे कि ये बैकलाइट का फॉल्ट है या बैकलाइट ड्राइवर का, आप तो पहले से जानते होंगे, इतना तो समझ गए होंगे। अगर नहीं, जो नहीं समझते हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि बैकलाइट का फॉल्ट है या नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, मैं मीटर को 200 के रेंज पे रख रहा हूँ, 200 डीसी वोल्ट के रेंज पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सप्लाई चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो अभी कोई सप्लाई नहीं है दोस्तों, टीवी इसलिए ऑन नहीं है इसलिए कोई सप्लाई नहीं है। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर ऑन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हम टीवी को ऑन कर लेते हैं, इसको प्लग इन करके इसे बिजली दे देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 11 वोल्ट यानी 12 वोल्ट के आसपास में सप्लाई यहाँ पे आ रही है। तो आइए इस टीवी को स्टैंड बाई से निकालते हैं। स्टैंड बाई से निकालने के लिए हमारे पास रिमोट नहीं है, तो हम इस बटन की मदद से इसे स्टैंड बाई से निकाल रहे हैं। दोस्तों देखिए, स्टैंड बाई से निकल चुकी है टीवी। और दोस्तों, इस कंडीशन में यह जो 11 वोल्ट है और 8 वोल्ट है यह बढ़ जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन यह वोल्टेज सेम उसी तरह से है, कोई भी फर्क नहीं हो रहा है दोस्तों। ये 11 वोल्ट का ही 11 वोल्ट ही है, इसमें कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बैकलाइट ड्राइवर ठीक से काम नहीं कर रहा है दोस्तों, यह बैकलाइट को सप्लाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे 68 वोल्ट, 85 वोल्ट, 90 वोल्ट तक हो जाना चाहिए था दोस्तों, जब भी बैकलाइट हमारी जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। तो यही फॉल्ट है, तो यह ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसे ठीक करते हैं। तो आपने जैसे दोस्तों चेक किया, तो यहाँ पे सप्लाई तो आ रही है, यहाँ पे जो एक डायोड होता है बड़ा सा, वहाँ पे भी आप सप्लाई चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सप्लाई आ रही है। मतलब जो सप्लाई यहाँ पे डायोड पे आती है वही सप्लाई दोस्तों यहाँ पे आती है, लेकिन जो ग्राउंड होता है दोस्तों वो ग्राउंड इस आईसी की मदद से इसमें रेगुलेटर कराया जाता है, जो सप्लाई को 12 वोल्ट से कन्वर्ट करके 60 से 85 90 वोल्टेज तक उसको बनाता है, जो बैकलाइट सिस्टम को ऑन करता है दोस्तों। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसके टिप्स हैं और कैसे चेक करना है दोस्तों। तो आप सोचते होंगे कि बैकलाइट ड्राइवर जल्दी रिपेयर नहीं होगा, तो दोस्तों मैं भी यही सोचता था, लेकिन बाद में मैंने बहुत इसके ऊपर R&D किया है, तो मुझे पता चला है दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें फॉल्ट नहीं होता है। कुछ रेजिस्टेंस खराब होते हैं, या फिर कोई इसमें कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, या फिर डायोड शॉर्ट हो सकते हैं दोस्तों, इसी तरह का फॉल्ट होता है। ये IC खराब होती है दोस्तों, तभी भी ऐसा फॉल्ट बनता है। तो हम कंफर्म पहले करेंगे दोस्तों क्या है क्या ख़राब है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर शॉर्ट रहेगा तो हमारा काम तो ठीक तरह से हो जाएगा, लेकिन IC का मसला फंसेगा तो उसके लिए बैकलाइट ड्राइवर डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पे तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें करना है। तो जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए, मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ये पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस, इस पर शायद आपको नंबर दिख रहा होगा क्या लिखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा लाइट जला के दिखा देता हूँ। देखिए, आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, तो मुझे तो नंबर इस पर दिख रहा है 3R00 दिख रहा है दोस्तों, और दूसरा दिख रहा है दोस्तों 2R40, फिर तीसरा दिख रहा है 2R40। तो 2R40 का मतलब दोस्तों होता है, इसे इसको कैलकुलेट किया जाए, 2R40
40 का मतलब होता है 2.4 ओम्स। तो आइए हम चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, यह सही बता रहा है, यह इसकी वैल्यू बहुत ही कम है दोस्तों, इसलिए वो 0.0 बता रहा है और सर्किट में लगा हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू 0.0 बता रही है दोस्तों। लेकिन यह 2.4 ओम्स का है, अगर यह रेजिस्टेंस हाई हो जाए तो 0.0 नहीं बताएगा दोस्तों, 10 ओम्स या 20 ओम्स या 50 ओम्स के ऊपर ही बताएगा। तब समझ लीजिए कि यह रेजिस्टेंस हाई हो चुका है। इसी तरह हम बारी बारी करके सारे रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं दोस्तों। लो वैल्यू नहीं होता है, हाई हो जाता है। जैसे 10 ओम्स का होगा तो यह 50 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10-15 हो सकता है, या 10 से ऊपर ही दोस्तों हो सकता है, 10 से नीचे नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस अभी भी ओपन होता है दोस्तों, शॉर्ट नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस समझ लीजिए यह 10 ओम्स का है तो 8 ओम्स दिखा रहा है, मतलब दोस्तों यह रेजिस्टेंस ठीक है। तो आइए मैं बारीक बारीक करके सारे रेजिस्टेंस को चेक कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको इसमें सारे रेजिस्टेंस को चेक कर लेना है दोस्तों। तो अगर आपको कोई रेजिस्टेंस इसमें ख़राब नज़र आए तो उसे रिप्लेस करके निकाल के चेक कर लीजिए ठीक से, और दूसरा रेजिस्टेंस लगा दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप एक बात और केयर कीजिए कि इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों देखिए कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे ब्लैक रेजिस्टेंस, देखिए छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हुए थे, इस पर कुछ भी नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि मतलब ये रेजिस्टेंस किधर वैल्यू दिखा रहा है, कितनी वैल्यू दिखा रहा है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे 200 के ओम्स पे रखा हूँ, देखिए 9.7 के दिखा रहा है। तो दोस्तों इसको एक बार प्लॉट को पलटी करके देखेंगे, देखिए 9.8 के, मतलब ये रेजिस्टेंस ठीक है दोस्तों। अगर ये पलटी करने के बाद भी कुछ भी रजिस्ट नहीं दिखाता तो समझ लीजिए कि यह खराब हो सकता था। तो देखिए इस तरह से इन पे कोई रेजिस्टेंस में नंबर लिखा नहीं होता है। देखिए 47 ओम्स का रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसको एक बार पलट के देख चेक कर लीजिए। देखिए 30.23 दिखा रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस ठीक है दोस्तों। बहुत हाई वैल्यू अगर हो जाएगा दोस्तों तो समझ लीजिए कि वो रेजिस्टेंस खराब हो चुका है। तो वहाँ पे एक हाई वैल्यू से वहाँ पे दोस्तों इस पे नंबर लिखा हुआ नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस कौन सा रेजिस्टेंस है। तो एक काम कीजिए दोस्तों, आप हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस पहले लगाइए, फिर टीवी को ऑन करके देखिए, अगर आपका काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा उससे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाइए, फिर काम बन जाता है तो ठीक है दोस्तों। इस तरह से करके आप इसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप बदल के आप इस बोर्ड को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात रहेगी दोस्तों, हम इसमें चेक करेंगे कैपेसिटर कि कोई कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है। तो कैपेसिटर का पहले हम इस डायोड को चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं डायोड को दोस्तों, ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, मगर डायोड शॉर्ट नहीं दोस्तों। आप जब सर्किट ट्रेस करेंगे तो ये सर्किट का ट्रैक और इस साइड का ट्रैक, ये दोनों एक में ही जुड़ा हुआ, बीच में रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रहा है, अगर हम रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं तो डायोड शॉर्ट नहीं दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसीलिए वो शॉर्ट दिखा रहा है। तो हम इस डायोड को चेक कर लेते हैं, देखिए इस डायोड को चेक कर लेते हैं, ये डायोड देखिए दोस्तों बिल्कुल ओके दिखा रहा है। तो आइए हम आगे के रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, जो ये नंबर लिखे हुए हैं प्रिंट हैं। तो चलिए यहाँ पे R200 है दोस्तों, तो R200 का मतलब हो गया 200 मेगा ओम्स, 200 मेगा ओम्स हो गया दोस्तों। तो ये कॉमन सी चीज़ है कि हमारे को वैल्यू नहीं दिखाएगा कोई भी, क्योंकि 200 मेगा ओम्स का जो रेजिस्टेंस होगा तो ही वो वैल्यू दिखाएगा दोस्तों, इस तरह से वैल्यू ये नहीं दिखाएगा। फिर आइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग दिखा रहा है पूरा, ये सारे रेजिस्टेंस शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से समझना चाहिए कि यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग है इसलिए वो शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो आइए हम रेजिस्टेंस तो शॉर्ट होगा नहीं दोस्तों, तो हम कैपेसिटर को चेक करते हैं, कहीं कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है छोटा छोटा जो। तो देखिए दोस्तों इसमें छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखिए इस टाइप का छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, देखिए इधर यहाँ पे। तो इनको चेक कर लेते हैं दोस्तों बारी बारी से, ये शॉर्ट नहीं है दोस्तों, ये भी दोस्तों शॉर्ट नहीं है। देखिए 60 ओम्स तक रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो,
देखिए हमको डाउट है दोस्तों कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, क्योंकि 0 0 ओम्स दिखा रहा है। तो आइए इस अगर ये कैपेसिटर पे हमें डाउट है तो इस कैपेसिटर को निकाल के हम चेक कर लेते हैं। आइए इसे सोल्डरिंग की मदद से हम इस कैपेसिटर को निकाल लेते हैं। दोस्तों मैंने कैपेसिटर को निकाल लिया है, देखिए वहाँ की जगह खाली हो चुकी है। तो उस खाली जगह में दोस्तों हमको चेक करना है कि फिर से शॉर्ट वहाँ पे दिखा रहा है क्या, वहाँ पे शॉर्ट बता रहा है क्या उस खाली जगह में। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि फिर तो शॉर्ट नहीं बता रहा है ना वहाँ खाली जगह पे। एक ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी शॉर्टिंग निकल चुकी है। ये देखिए दोस्तों ये भी कैपेसिटर अब शॉर्ट नहीं दिखा रहा, पहले कुछ 40 ओम्स तक दिखा रहा था दोस्तों। देखिए ये भी कैपेसिटर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है दोस्तों, इसलिए इस तरह से ये दिखा रहे हैं। और यह कैपेसिटर अभी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट देखिए इस तरह से था, तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट हुआ होगा तो कहीं रेजिस्टेंस कोई ओपन तो नहीं हो गया है। तो ये जो कैपेसिटर का एक ट्रैक है इसके ऊपर से चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों इस ट्रैक को चेक करेंगे। दोस्तों एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है छोटा वाला, ये देखिए छोटा सा एक लगा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा कॉइल के पीछे है वो, ये देखिए यहाँ पे है। तो थोड़ा सा मुझे ऊपर से जला हुआ रेजिस्टेंस दिख रहा है वो, तो मैं ज़रा उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है वो। तो मैं एक बार उसके नंबर देख लेता हूँ, 220। 220 का मतलब होता है दोस्तों 22 ओम्स। तो ये 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसे चेक कर लेते हैं। तो 22 ओम्स का रेजिस्टेंस 42 ओम्स तक दिखा रहा है दोस्तों, 42 ओम्स तक। तो आइए मैं इसे एक बार निकाल लेता हूँ रेजिस्टेंस को और फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यह 22 ओम्स तक नहीं दिखा रहा है, मतलब यह हाई हो चुका है लग रहा है मुझे, क्योंकि 220 इसका कोड है। 220 कोड का मतलब होता है 22 ओम्स। तो मैं इसे बाहर निकाल लिया हूँ और मैं इसे चेकिंग चेक करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो ये मैं इसे बाहर निकाल के चेक कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए रेजिस्टेंस को दिखाओ, ये 38 ओम्स तक दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन मैं इसे ठीक तरह से अगर देखूँ तो मुझे डाउट है कि यह बर्न हो चुका है बीच में से। मैं थोड़ा सा क्लीनर की मदद से उसे साफ कर लेता हूँ और साफ करके देख लेता हूँ कि यह एक्चुअल में बर्न हो चुका है या कोई डस्ट उसके ऊपर लगा हुआ है दोस्तों। यह मैं कोशिश डस्ट लगने की वजह से मुझे साफ से नंबर भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो हो सकता है वो 220 की जगह कुछ और नंबर हो, तो इसलिए मैं एक बार उसे क्लीन करके देख लेता हूँ।
दोस्तों मैं देख रहा हूँ ये रेजिस्टेंस थोड़ा हीट हो चुका है, तो शायद वो कैपेसिटर शॉर्ट था इसलिए वो हीट हो गया होगा। तो अभी फिलहाल वैल्यू दिखा रहा है 38 ओम्स तक, लेकिन उस पर 220 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो हम 22 ओम्स का एक रेजिस्टेंस वहाँ पर लगा देते हैं और इस कैपेसिटर को भी दूसरा लगा देते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि बैकलाइट ऑन होती है या नहीं। तो आइए हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। दोस्तों हमारे पास SMD में रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसे नॉर्मल रेजिस्टेंस लगाएंगे। SMD में रेजिस्टेंस न होने के कारण मैं इसे एक देखिए 22 ओम्स का रेजिस्टेंस, आपको कलर शायद दिख रहा होगा, ये देखिए रेड रेड ब्लैक है, तो ये 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो आइए मैं इसे लगा लेता हूँ। तो इस 22 ओम्स के रेजिस्टेंस को लगाने के बाद दोस्तों मैं इसमें एक कैपेसिटर भी लगाऊंगा। दोस्तों उस कैपेसिटर की वैल्यू लिखी हुई नहीं थी दोस्तों कुछ भी, तो हमें पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा कैपेसिटर है वहाँ पे, पता अभी भी नहीं चल रहा है दोस्तों कि कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो उसका भी एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पता करेंगे। या तो दोस्तों आपके पास पुराना उस मॉडल का बोर्ड है तो आप पता लगा सकते हैं, उसमें से निकाल के लगा सकते हैं उसको। लेकिन दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ ये आपको बताऊँगा। दोस्तों रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत कम जगह है इसलिए वो लग नहीं पा रहा है, तो मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि लग जाए। ओके दोस्तों, तो देख रहे हैं आप, जैसे मैंने इस 22 ओम्स के रेजिस्टेंस को लगा लिया है, और मैं आपको बता रहा था कि कैपेसिटर भी लगाएंगे। तो दोस्तों हमें देखना है कि वो कैपेसिटर कौन से साइज़ का है, उस साइज़ के हिसाब से कैपेसिटर हम लगा देंगे दूसरे बोर्ड से निकाल के, और उसके बाद बैकलाइट को ऑन करके देखेंगे। तो देखिए मैं एक दूसरे बोर्ड से कैपेसिटर को निकाल लिया हूँ और उसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, और ये हमारा कैपेसिटर लग चुका है। तो कैपेसिटर हमारा लग चुका है दोस्तों, अब एक बार फिर से चेक करेंगे वहाँ पे हम शॉर्टिंग। देखिए दोस्तों मीटर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है उस कैपेसिटर पे, जबकि पुराने वाले कैपेसिटर पे दोस्तों शॉर्टिंग दिखा रहा था, इसलिए हो सकता है ड्राइवर काम नहीं कर रहा था। लेकिन देखिए अब कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। आइए हम इस पर सप्लाई देके देखते हैं दोस्तों इस बोर्ड को, बैकलाइट ऑन होती है या नहीं। ओके दोस्तों, हमारी बैकलाइट ऑन हो चुकी है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो देखते हैं टीवी बिल्कुल ठीक तरह से अब काम कर रही है। तो यह था हमारा फॉल्ट, यह था हमारे कुछ टिप्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरा नॉलेज उनको भी मिलता रहे।